तो हेलो गाइस, तो कैसे हो आप सब लोग गाइस। आज का वीडियो ना आप सभी लोगों के लिए बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट और बहुत ही ज़्यादा मज़ेदार होने वाला है। आज के इस वीडियो में गाइस हम आपको बताने वाले हैं कि फ्री फायर में एक नया ग्लिच आया है जिसकी वजह से लोगों की आईडी सस्पेंड हो रही है बिना हैक यूज़ किए हुए। जी हाँ गाइस, आप लोग ने सही सुना, बिना हैक यूज़ किए हुए लोगों की आईडी सस्पेंड हो रही है। ये ग्लिच क्या है, ये ग्लिच कैसे काम करता है और ये ग्लिच से कैसे बचे, ये मैंने इस वीडियो में आप लोगों के लिए बताया है। तो प्लीज़ इस वीडियो को बिना स्किप किए हुए गाइस एंड तक ज़रूर देखें और हो सके तो अपने दोस्तों के साथ भी शेयर ज़रूर करें ताकि उन लोग भी ये वीडियो देख के ये ग्लिच से बच पाए, क्योंकि ये ग्लिच सबके साथ हो रहा है गाइस। यार वीडियो स्टार्ट करने से पहले गाइस, अगर आप लोग कहीं से भी इस चैनल पे या इस वीडियो पे नए आए हो गाइस, तो जल्दी से जल्दी गाइस सब्सक्राइब का बटन दबा दीजिए और बेल आइकन को प्रेस करके उसको ऑल कर दीजिए ताकि आपको मैं फ्री फायर के लेटेस्ट अपडेट्स के वीडियोस और भी बहुत सारे वीडियोस आप लोग को रोजाना टाइम टू टाइम देखने को मिलते रहे गाइस। यार वीडियो स्टार्ट करने से पहले अभी गाइस आप लोग के सामने क्लिप आएगा, दो क्लिप आएंगी गाइस, जिसमें आप लोग को मालूम पड़ेगा कि ये ग्लिच है क्या। आप लोग देखते रहिए, मैं कुछ नहीं बोलूंगा, उसके बाद मैं आप लोग को समझाऊंगा कि ये ग्लिच कैसे होता है और ग्लिच से कैसे बचना है। तो अभी आप लोग के सामने वो वीडियो आ चुका रहेगा गाइस। तो गाइस जैसे कि आप लोग ने देखा, ये महाशय पीक पे आने के बाद जो नीचे का पीक का एरिया है उसमें इनका जो घर है वो पूरा ही गायब हो चुका है। अभी बहुत लोग ये सोचते रहेंगे गाइस ये बंदा है कि उसका है, तो जी नहीं गाइस, ये बंदा है कि यूज़ नहीं कर रहा है। ये मेरे साथ भी हुआ था, आज जब मैं US का सर्वर खेल रहा था तो सेम चीज़ मेरे साथ भी हुई, बट मेरा ID सस्पेंड नहीं हुआ क्योंकि मुझे मालूम है कि ये ग्लिच से कैसे बचना है, जो मैं आप लोग को बताने वाला हूँ। अभी बहुत लोग ये बोलेंगे गाइस कि ये बंदा है कि उसका है इसीलिए इसकी अकाउंट सस्पेंड हुई है, तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं। मैं आप लोग को उसका भी प्रूफ देता हूं कि ये है कि यूज नहीं कर रहा है। अभी आप लोग के सामने और एक क्लिप आया है, उसको देखिए। तो गाइस जैसे कि आप लोग ने देखा, अगर ये बंदा हैक यूज़ कर रहा होता तो ये बंदा इस जो स्टील का जो बॉक्सेस है उसके पीछे नहीं छुप पाया होता, क्योंकि अगर ये बंदा इनविजिबल हैक या फिर वॉल टू वॉल हैक यूज़ कर रहा होता तो ये इसके अंदर भी घुस गया होता, बट ऐसा नहीं था, ये बंदा इसके पीछे छुप पाया। और एक गाइस आप लोग के लिए वीडियो है जो आप लोग के लिए शायद से शॉकिंग रहेगा, क्योंकि आप सब लोग के साथ ये चीज़ हुआ रहेगा। आप लोग स्क्रीन पर देख सकते हैं कि जो एकदम जो कैरेक्टर से वो एकदम बड़े हो गए और एकदम जो लेटर से वो एकदम स्मॉल स्मॉल हो गए। अभी गाइस ये ग्लिच कैसे हो रहा है ये मैं आप लोग को बताने वाला हूँ। जैसे कि हम गेम खेल रहे गाइस, ठीक है, हम गेम खेल रहे हो, हमको किसी का मैसेज आ रहा है व्हाट्सएप पे या हमको किसी का कॉल आ रहा है। अब कुछ कुछ कॉल है जो इंपॉर्टेंट नहीं होते तो हम उठाते नहीं है, या तो कुछ कुछ ऐसे मैसेजेस है जो अगर इंपॉर्टेंट नहीं है तो हम उसका रिप्लाई नहीं करते, बट कुछ कुछ ऐसे कि मम्मी का कॉल हो गया, मम्मी का मैसेज, पापा का मैसेज, या हमारे कुछ स्टूडेंट टीचर्स या जो भी जिसका भी मैसेज आए जो इंपॉर्टेंट है उसको हम रिप्लाई करने गेम को मिनिमाइज करके चले जाते हैं। तो हम जैसे कि 10 या 15 सेकंड के बाद हम वहाँ पे चले गए, ठीक है, उसके बाद आके जब गेम को खोलते हैं तो हमारे सामने हल्का सा कुछ मिसप्लेस होता है, ठीक है, ये हर किसी के साथ नहीं होता बट कभी ना कभी आप लोग के साथ भी हो सकता है। अगर आप लोग को जैसे ही कुछ घर गायब हो गया हो या तो आप तुरंत मतलब गेम से बाहर आ गए हो तो प्लीज़ दोबारा गेम में मत जाइए, ठीक है, दोबारा रिकनेक्ट मत कीजिए। अपने पार्टनर्स को बोलिए कि जब गेम ख़त्म हो जाए तब हमको बुलाए। इसके पीछे रीज़न ये है गाइस कि जब आप दोबारा गेम में जाएंगे तो आप लोग के साथ भी ये चीज़ हो सकती है, आप लोग के साथ भी कुछ गायब हो सकता है और आप लोग गेम खेलते ही खेलते अपने आप बैक हो जाएंगे। अगर आपको कोई रिपोर्ट नहीं किया है या कुछ भी नहीं किया है तो भी उसके बावजूद भी आपकी आईडी बैन हो जाएगी और सस्पेंड हो जाएगी। मुझे मालूम है कि आप लोग को बिलीव नहीं हो रहा है गाइस, मगर ये सच बात है, ये ग्लिच हो रहा है। अगर आप अभी इस पे काम नहीं करोगे गाइज तो आपको बहुत प्रॉब्लम हो जाएगा। अभी ये ग्लिच से कैसे बचना है मैं आप लोग को बताता हूँ। जैसे ही आप लोग व्हाट्सएप पे गए और आप लोग वापस से आए, अगर आप लोगों को कुछ चीज़ें दिख रही है जो कभी आप लोग के साथ होती नहीं, जैसे कि पैर बड़ा हो गया है या तो गाड़ी बड़ी हो गई है या तो आपके प्लेयर्स इनविजिबल हो गए या तो कोई घर इनविजिबल हो गया, तो तुरंत ऑन द स्पॉट गेम को क्विट कर दीजिए। जी हाँ गाइस, गेम को क्विट कर दीजिए। इससे क्या होगा गाइस, जो बंदे या तो जो फ्री फायर का सर्वर है जो आपको देख रहा है वो एक्शन नहीं ले पाएगा, क्योंकि उनके मायने में ये हैक है। अगर आपका घर लंबा हो गया है, क्योंकि घर लंबा होना मतलब गाइस एक तरह का एक पिक्सल हैक होता है जो हर चीज़ को बड़ा दिखाते हैं जिससे हेडशॉट ज़्यादा जल्दी लगता है, तो ये सब हैक गाइस
एक ग्लिच की तौर पे फ्री फायर में आया है। आई होप फ्री फायर इस पे जल्दी से जल्दी काम करे और मतलब बचाया लोगों की आईडी, क्योंकि यार आज सुबह ही जब मैं अपने एक दोस्त के साथ खेल रहा था, उसके साथ भी एक ग्लिच हुआ। जब ये ग्लिच हुआ तो मैंने उसको बोला भी कि भाई तू गेम को बैक कर दे, मैंने बैक तुरंत कर दिया, बट उसने बैक नहीं किया और जब वो मर गया मतलब ऑन द स्पॉट, मतलब जैसे गेम ही खेल रहा था, वो लोगों को मार रहा था और उसकी ऑन द स्पॉट डेथ हो गई। उसके बाद जब उसने गेम खोला तो उसका 69 लेवल का आईडी सस्पेंड हो गया। जी हाँ गाइस, आप लोगों ने सही सुना, 69 लेवल का आईडी सस्पेंड हो गया, जबकि वो हैक यूज़ करता नहीं है। गाइस आप लोग मुझे बताओ, 70 लेवल पे कौन हैक यूज़ करेगा अपना 70 लेवल का आईडी, जिसमें सब लेजेंडरी स्किन्स, लेजेंडरी गन्स ये सब है, वो हैक यूज़ करके अपना आईडी को क्यों मतलब सस्पेंड करवाएगा? तो ये बात तो सोचने वाली है गाइस। तो प्लीज़ गाइस, अगर आप लोग के सामने भी ये ग्लिच हो रहा है तो प्लीज़ जैसे ही आप लोग व्हाट्सएप पे गए, उसके बाद जैसे ही आप लोग गेम के अंदर आए, अपना गेम क्विट कर दीजिए, भले वो रैंक ही क्यों ना हो, क्योंकि क्या मालूम कब आपका आईडी सस्पेंड हो जाए, आप लोग को मालूम नहीं पड़ेगा गाइस। इसलिए मैं गाइस बोलता हूँ कि प्लीज़ मेरा वीडियो पूरा ज़रूर देखें, ये बस आप लोगों के लिए मैंने बनाया है गाइस। तो प्लीज़ 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 इस पर काम करिए एंड प्लीज़ अपना आईडी को सेफ रखिए गाइस। आज के